हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है पहला नवरात्रा, तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। और सुबह का ही टाइम है, अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि कलश स्थापना का जो टाइम है वो शायद 6:30 बजे से 10:30 बजे कुछ, या 11 बजे तक ऐसे है। तो बस टाइम 9 बज चुके हैं, फटाफट से। और कितनी भी जल्दी आप उठ जाओ ना, थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है। और फर्स्ट डे तो पूजा करने में वैसे भी थोड़ा टाइम लगता ही है, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर पूजा करने, और उसके बाद मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। गाइज, ये देखो माता रानी का भी दरबार पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। और अभी ना एक लाइट रह गई है जो जली नहीं है, तो उसका स्विच ऊपर से है, तो मैं अभी बोलती हूँ जलाने के लिए, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। और माता रानी देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी। और इधर ये सारी तैयारी हो गई, आम के पत्ते जो कि कलश रखा जाएगा उसके लिए, बाकी फल फूल और ये श्रृंगार जो आज माता रानी को चढ़ेगा अभी तो। और ये देखो गोपाल, लड्डू गोपाल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। कि सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे पगड़ी, इतनी प्यारी लग रही है माता रानी को। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो माता रानी, जय माता दी। और इधर चलेगी हमारी अखंड ज्योत। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। सुबह को ड्रेस पहन के बैठ जाओ बेटा। गाइस, अब हम रख रहे हैं अपना कलश और सारी तैयारी हो गई है। अखंड ज्योत भी हमारी जल चुकी है और दिया भी जल चुका है हमारा घी का। तो बस, और देखो यहाँ लगाएंगे अगरबत्ती। और अगरबत्ती देखो कितनी बढ़िया, ये है हमारी अगरबत्ती। और इसमें ना चार तरह की अलग अगरबत्ती है, दिखाना एक मिनट। हाँ दिखाते हैं। एक है इसमें सैंडलवुड, और दूसरी कौन सी है इसमें, जैस्मीन है शायद, जैस्मीन मोगरा, जैस्मीन जैस्मीन है इसमें। हाँ जी, ये आम के पत्ते, रोज है, को कर दे। ये है। और देखो ये इसका स्टैंड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि ना नीचे गिर जाती है या फिर कपड़ा वगैरह चल जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप यहाँ लगाओ। इसमें एक देखो इस तरह से होल है, लगाओ और आराम से चला लो। और बस अब माता रानी को चढ़ रहा है श्रृंगार। ये मम्मी श्रृंगार चढ़ा रही है माता रानी को, 5 श्रृंगार, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, मेहंदी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आशा बीड़ा लगा, और अब लगेगा माता रानी को बीड़ा। जल 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 डाल लो आप इसमें। बस दूर कर, क्यों आप अच्छा लग अलग कर, इसमें मत मिला। बस लो, कोई बात है, कोई बात नहीं, अब ये बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, अभी कपड़े से पकड़ लूंगी। ये गमछा ले लो, है तो नहीं, जिस दिन फर्स्ट डे होता है ना उस दिन थोड़ा सा ना सब चीजों को तैयार करने में, मैनेज करने में ना थोड़ा होती है। नहीं, और तो इतना देखिए बहुत है, ये तो तुमने बहुत सारा कर लिया, जरा सा ही रखना है। ले तो उतारने में कौन सी डिलीट। और ये तुम देखो, ये मेरी करामानी देखो कि मैं कितने डब्बे धो, ये डब्बे मैं कितने धो धो के रख के रखती हूँ इनको संभाल के। ये चीज अकाउंट करेंगे ये लोग। ये तो इसमें ही आया जी, नहीं डब्बे में तो आया, जिसमें जिसमें आया था वो डब्बा अभी नीचे धुला हुआ है। ऐसे मेरे पास 2 डब्बे और है, 3-4 डब्बे हो गए टोटल। देखो मैंने खुद अभी ध्यान दिया, कितनी समझदारी का काम किया इसमें। और वो स्टोर में रख रखे हैं सारे डब्बे, जो अब जो किचन को सब सामान निकाला उसके डब्बे अलग बना के रखे हुए। सोनिया को जो दे दिया उस सेलो का क्या, अच्छा वो फ्लास्क, अरे वो किसी सोनिया को दिया था क्या, डब्बे छोड़ के चली गई यार, वो किसी काम का नहीं था, वो हमारे किसी काम जा रहे गाड़ी में रख पानी भर, वो पानी भर के रख लो, सुनो 1/2 लीटर उसमें पानी आता, ठीक है, उससे अच्छा वो बड़ा, और वो भी वो गर्म नहीं रहता, गर्म रहता ठंडा, ये तो रहता कुछ देता, तो स्टील का बड़ा अच्छा हमारे पास रखे हैं स्टील के।
दो हमारे पास एक एक लिए भी करते रहना चाहिए। उसको कैसे उसे तो लड़की का स्वभाव अच्छा लग रहा है जो आई बेचारी ये सीधे सच करी मम्मी से बात कर ले। हमारे घर में कौन करेगा फिर यहाँ? हम जब यहाँ रहेंगे हम ही रहेंगे जब शादी होगी। तो 8-10 दिन के लिए चाहिएगी? 8-10 दिन के लिए? हाँ तो 8-10 दिन एक दो दिन हम कर लेंगे। अरे पूजा कर लो आप। ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। मुझे तो इनके मुकुटों का बहुत वो रहता है, मुकुट ना एकदम छूट जाएगा। लेकिन पता है इस बार लड्डू गोपाल का मुकुट लग बहुत सुंदर आया। मैंने उसको अरेंज तो किया जैसे तैसे करके। ये तो पुराना लाए थे ना अपन? जी नहीं, अभी लाए। हाँ तो मम्मी जो गए थे? पुराना वाला भी सुंदर था बहुत। अच्छा। लेकिन इस बार वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है। राजस्थानी वाली पगड़ी है ये। बहुत प्यारी लग रही है। और गाइस यहाँ पे ना ये दो लोग हैं जो पीछे से बातें करते हैं, पूजा कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं। इनको सारी बातें ना इन लोगों को पूजा के टाइम पे याद आती है। इधर मम्मी सबको सारे भगवान जी को तिलक लगा रही हैं और इधर इधर चल रही है पीछे पूजा। वो सारी बातें अलग अलग पूजा तो कर रहे हैं। यहाँ पे बातें चल रही है कि किसकी शादी में कौन खाना बनाएगा। कभी भी जल नहीं पड़ता है। ये घर पर नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे सोच रहे थे कि जरा सा बिल्कुल एकुरेटली करी देगी उसमें? ऐसा सोचा है जैसे अब तेरे मन की बात मुझे कैसा पता लग जाएगी क्या चाहिए कितना? अब यहाँ पे लगेगा माता रानी को बीड़ा। ये लो बीड़े में क्या क्या? बीड़े में एक तो जाएगी सुपारी, एक लौंग का जूड़ा, एक जाएगी इलायची। माता को इलायची बहुत पसंद है। अरे 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 और दो लौंग का नहीं, लौंग के जोड़े दो जाते हैं। एक जाता है भैया, एक लौंग का जोड़ा जोड़ा जाता है ना। हाँ जोड़ा जोड़ा तो दो रखो ना लौंग। दो नहीं रखता मैं, एक ही रखता। हाँ जोड़ा रख, जोड़ा रखते हैं हमेशा। चलो यार पहले पान बनाना, थोड़ी सी मिश्री। माता जी मीठा ज्यादा चलेगा कम? अच्छा कम। चलो एक पत्ता पकड़ो। अच्छा ऐसे है। अब मैं इसे यहाँ को ऐसा करूंगा, बीड़ा बनाना पड़ता है ना। दुकान पे बनिया बीड़ा इलायची का, दुकान खोल लो इसकी बीड़े की। अच्छा एक जोड़ा यहाँ पे, ये हो गया हमारा माता रानी का बीड़ा तैयार। अच्छा इसीलिए कह रही है कि आपको बीड़ा बनाना बहुत अच्छा जाने है। ये मैंने उसे सिखा पंडित जी कल्याणी मंदिर वालों से। चलो कुछ तो सीखा आपने। अच्छा मसूरी में लगाऊंगा मैं, कुछ काम नहीं चलेगा तो। ठेला पान का ठेला सीधा मंसूरी नहीं, बीड़ा बनाने का। रोड पर बीड़ा नहीं पान यार, बीड़ा। और मौसम भी अच्छा रहेगा, 12 महीने चलता हूँ। थोड़ी देर पान बेचो, कुछ खा लो, थोड़ी देर पान बेचो अपना खा लो। पीछे को औरत रख लूंगा, मैगी बनाती रह करेगी बैठ के। उसमें मैं तो होंगी नहीं, वो कहीं पीछे को मुझे सोच रहे हो। वो मेरे पास और चूल्हा ही हमारे पास, अरे गैस सिलेंडर भी खाली है। बहुत बढ़िया बिजनेस है ये, सबसे अच्छा बिजनेस है। हम लोग खाते हैं, इन्वेस्टमेंट जीरो। आप बहुत खाते हैं, आग वाला बना दिए। ये लो भाई आग वाला। अब आइस पान चल रहा है नया, तू एक सांप रख ले। सांप वाला पान मुंह को ऐसे घुमा के सांप मार। हां उससे हल्का सा नशा भी होगा। हां पान ये तो मैं सर। अरे अब डांट पड़ने वाली है तुम लोगों की। त्रिशूल भी जम रहे हैं देखो। अब अपना मंदिर एकदम 100% हो गया, मतलब तीन हम सही लेके आए हैं। बोल दुर्गे मैया की जय, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाए विचे, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाए विचे नमः, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाए विचे नमः, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाए विचे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं
चामुंडाए विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे नमः। बोलो दुर्गे मैया की जय। अरे अगरबत्ती तो जला लो। मम्मी क्या क्या पढ़ना आज? वो स्टार्टिंग से तीन वो और एक वो। अच्छा अब बाद में वो देवी का सूत्र पढ़ना। ओम ऋषि मार्कंडाय बोले हे पिता मैं आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले हे विप्रवर इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए देवी जी की नौ मूर्तियों के नाम इस प्रकार से है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती जो आप भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप सब से रक्षा करती हैं। प्रेत की सवाई करने वाले योगेंद्र से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभस्मों को देखा जिनकी ब्रह्मा जी को खाने के लिए आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान महादेव एक दंत दयावंत चार भुजा धारी माथे पर तिलक सोहे मुसे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डवन भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी वती पिता महादेवा। धन को आंख देत को धन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया हाथ चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सिद्ध करे जय गणेश देवा। जय गणेश गणेश जय गणेश देवा। जाए मेरी मैया आओ भोग लगाओ मेरी मैया। प्रभु पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से मेरी मैया आओ भोग लगाओ मेरी मैया। भोग को खाए जो तेरे इस भोग को खाए वो ही अमर हो जाए मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। भगतों की यही अरज है हम भगतों की यही अरज आकर दर्श दिखाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। मैया की जय। गाइस पूजा हमारी हो चुकी है और हम लोग मंदिर से भी आ गए। बस अब फटाफट से हम करते हैं अपना सुबह का ब्रेकफास्ट जो कि हम खाएंगे जो हम हमेशा फास्ट में खाते हैं मूंगफली मखाने और चौलाई के लड्डू और बस चाय पियेंगे। बाकी अभी मेरे हस्बैंड और ससुर जी को जाना है कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने तो वो फटाफट से नाश्ता करके और जा रहे हैं कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं नाश्ता अपना। इधर ये मूँगफली चली जा रही हैं उसके बाद फिर मखाने चले जाएंगे और ये है घर का बना हुआ देसी घी जिसको हम यूज़ करते हैं। अभी बनाते हैं हम चाय।
लाएंगे, मसाला लाएंगे। गाइस हमारा हो रहा है ये नाश्ता सुबह का, मखाने मूंगफली चौलाई के लड्डू। बनाने वालों में कोई कमी नहीं है। आज तो मैं इलायची डाल के भी बनाई है, कल भी इलायची डाल के बनाई थी। अब उसका वो लेके आएंगे बाबा रामदेव वाला मसाला, नहीं तो मसाला बनाऊंगी फिर। अरे मेरी रह गई, अच्छा तो इनका। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं अपना नाश्ता। लाओ मेरा नाश्ता दो। आपका नाश्ता आप दोनों का ही है, मेरा कॉमन है। तुम दोनों दो ही कर लेते तो चारों जन खा लेते। दो ही ना क्यों खा लेते, इतने सारे बर्तन कर लिए खराब। आगे रह गए इतना। गाइस शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब हम लोग करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी कोटू के पकोड़े और सूखे आलू और उसके पराठे भी कोटू के आटे के साथ में बनाऊंगी। समा के चावल की खीर, जो समा का चावल होता है ना व्रत में खाते हैं वो, तो उसके लिए मैंने अभी कुकर में नहीं बना रही, भगोने बनाई, तो मैंने समा के चावल को थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और अभी मैं उसको बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया। अब जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम दूध मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मिला देंगे। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट के रख लिया है सारे ड्राई फ्रूट्स को, तो बस पहले ये बनाते हैं। आलू भी मेरे बॉयल हो चुके हैं तो अभी मैं पहले जो सूखे आलू हैं वो छौंक देती हूँ थोड़े से, फिर पकौड़े बनेंगे वो तो हाथों हाथ ही बनेंगे, नहीं तो वो ना कोटू का आटा मिला के वो थोड़े बह जाते हैं। और अभी मुझे बर्तन भी लगाने हैं, ये सारे बर्तन मेड आके साफ़ कर गई थी, तो अभी मुझे ये बर्तनों को भी सेट करना है। इधर मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। गाइज ये देखो मेरे जो समा के चावल हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इसमें मैं दूध और चीनी ऐड करता हूँ, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची। तो चलिए अच्छे से गल भी गए, फटाफट से दूध मिला देते हैं इसमें। गाइज मैंने दूध ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी और सफ़ेद इलायची और चीनी डालूँगी सबसे लास्ट में। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, सो ना ये काफ़ी गाढ़ी बनेगी। वैसे भी ये बहुत जो समा का चावल होता है ना बहुत ही सॉफ्ट खीर बनती है इसकी, एकदम चिकनी चिकनी। तो बस अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दो। ये कर दिया मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड और अब अपने थोड़ी सी सफ़ेद इलायची डालेंगे ताकि फ्लेवर थोड़ा और अच्छे से आ जाए, और चीनी डालेंगे सबसे लास्ट में। इधर मेरे आलू हो चुके हैं बनकर तैयार, और मैंने ना बस थोड़े से देखो बहुत थोड़े से हैं क्योंकि सिर्फ आलू सूखे आलू और पराठे खाऊंगी मैं, यानी कि चीला बना लूँगी। और ये ना मैंने बहुत कम ऑयल में बनाए हैं, बाकी ये लोग खाएंगे कोटू के पकौड़े, तो उसके लिए मैंने आलू ये वाले अलग से रख दिए हैं। अभी चटनी बनाऊँगी, साथ में मैं दही को ना फेंट के रख लूँगी ताकि थोड़ा सा सब लोग ज़्यादा ज़्यादा ले लेंगे आराम से, और थोड़ा सा उसमें पानी मिला लूँगी। तो चलिए अभी दही को फेंटती हूँ, चटनी पीसती हूँ और पकौड़े तो सबसे लास्ट में बनेंगे। आलू मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं और इधर खीर में भी अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुका है, बस अब इसमें हम लास्ट स्टेज पे डाल देंगे चीनी। गाइस अब मैं आ गई हूँ ऊपर और अभी करेंगे हम शाम की पूजा। हालांकि आज थोड़ा लेट हो गया शाम की पूजा करने में क्योंकि ये लोग अभी कार्ड बांट के आए हैं, तो उसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और खाने की तैयारी तो सारी हो गई, वो अभी आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। रक्षा कर ली प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, शीर सिंधु में सा गया सिंधु दीजे, मन आसा हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरव ताणा जगतारणी, छिन्न बाल वव दुख निवारणी, केरी ऊहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठर शत्रुवेश, नाभि कोटि में तुम्ही यो लोक में डंका बाजत, शुभ निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे, मई शासुर अति अभिमानी, जय यज्ञ भार मही अकुलानी, रूप काल काली को धार भारती हो मैया, सब उतारे तेरी आरती, मैया तेरे भक्त जनों पर भीड़ लगी है।
है भारी, मैया भीड़ लगी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सब सो से है बलशाली, अष्ट भुजाओ वाली मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, निर्मलना था मैया माता, पूत कपूत सुने हैं पर कपूत सुने हैं पर ना कुमाता, सबकी करने वाली करने वाली बारिश उभारती मैया, हम सब नीना सोना मैया सोना, तेरे मन में हम तो तेरे मन में एक छोटा सा कौन। गाइस इधर हमारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं, बस अब भोग लगाएंगे और खाएंगे। और इधर भी देखो सारी प्लेट्स तैयार हो चुकी है, अब बस व्रत खोलने का इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग, भुक्कड़ लोग। आप कुछ खाने को नहीं मिल रहा ना, चटनी टेस्ट कर रहे हैं, चटनी और खीरा। और ये समा के चावल की खीर, आलू, मैं इधर चीला बनाऊंगी और ये लोग दही और चटनी से खाएंगे पकौड़े। तो इधर खाना हो गया शुरू, एकदम लीप अलापी शुरू हो गई है, भूख लग रही है इन लोगों को बहुत तेज की। बताओ कैसा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, व्रत का खाना तो वैसे भी हमेशा अच्छा ही बनता है प्रसाद का। तो चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ में। और अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता की, जय माता दी।